हेलो दोस्तों, तो आज इस एपिसोड में मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेपर प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ये वेपर प्रेशर होती क्या चीज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे वाटर है तो ऊपर वाटर के कुछ वेपर्स हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर बन गए हैं, इवापोरेट हो गए हैं और लगता है जैसे इस कंटेनर में अभी जस्ट ही पानी भरा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी वेपर के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हमें वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा दिखेंगे क्योंकि वाटर एक्चुअली में इवोपोरेट भी हो रहा है और कंडेंस भी हो रहा है, किंतु हमें जो है वो नेट चेंज दिखाई देता है तो हमें लगेगा कि नेट जो है वो इवोपोरेशन ही हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसी कंटेनर को कुछ समय बाद। देखा जाए दोस्तों, इस कंटेनर में आप देख सकते हैं कि और भी ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं और इसका रीजन तो वही है ना दोस्तों कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिछली बार की तुलना में और भी अधिक हैं। तो आइए अब इसी कंटेनर को थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अरे ये क्या, और भी ज्यादा वाटर के वेपर के मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा था और भी अधिक वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो वाटर वेपराइज भी हो रहा है और साथ ही साथ कंडेंस भी हो रहा है, पर हमें जो नेट चेंज दिखाई देने वाला है वो नेट इवापोरेशन का होगा क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसीलिए इस कंटेनर में धीरे धीरे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं और वो कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड कर कर अंदर का प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। तो आइए इसी कंटेनर को कुछ देर बाद देखते हैं। देर बाद इसी कंटेनर को अगर हम देखें तो और भी ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, लेकिन ऐसा करते करते एक स्टेज तो आएगा दोस्तों जब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया है और उसी स्टेज को तो इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और जब यह इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि जितने भी वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे वो वापस से उसी रेट से कंडेंस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर में होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे और फिर वो एक कांस्टेंट प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, वो कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ही अचीव होगा और उसी कांस्टेंट प्रेशर को जो इक्विलिब्रियम पे अचीव होता है वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस That has achieved an equilibrium with its condensed phases, means solid or liquid, at a temperature T in a closed system. और टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इक्विलिब्रियम एक क्लोज सिस्टम में अचीव होता है, क्लोज कंटेनर में अचीव होता है, इसीलिए इस डेफिनेशन में एक क्लोज सिस्टम अंत में लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। तो आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको वेपर प्रेशर की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आई होगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू इन सम अनदर वीडियो।